वेलकम बैक मेरे चैनल में। तो आज हम पानी पूरी की रेसिपी लेकर आए हैं और सूजी से बनाएंगे और थोड़ा सा आटा से। तो हमने थोड़ा सा कटोरी में पानी गरम कर लिया है और ये आधी कटोरी हमने सूजी ले लिया है। चाहे तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये बड़ी वाली कटोरी से मैंने आधी कटोरी लिया था। तो थोड़ा सा नमक और वही गरम पानी डाल के हम इसका बढ़िया सा आटा बनाएंगे। और देखिए इस तरह से हम चला चला के इसे गूंथ रहे हैं। अब हाथ से हम गूंथेंगे। तो ये देखिए हमने रेडी कर दिया है। इसे थोड़ी देर हम फूलने के लिए रख देंगे, कम से कम एक घंटा। और इसको किनारे रख दिया। अब हम सूजी और आटा मिक्स करेंगे। तो हमने इस बड़े वाले कटोरे से आधा कटोरी सूजी लिया है और आधा कटोरी ही हमें आटा लेना है। तो ये जो चीना है दिख रहा है, इतना ही हमने ये सूजी लिया है। और ये जो कटोरी का आटा है तो थोड़ा सा कम ही ले लेंगे। और इसे हम गूंथेंगे उसी गर्म पानी से। आप चाहे ठंडा पानी से भी गूंथ सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाला हमने और उसी गर्म पानी से हमने गूंथा। ऐसे में क्या है कि गर्म पानी डाल के जब गूंथेंगे तो हम जल्दी से इसका पूरी बना सकते हैं, क्योंकि सूजी हमारी इसमें फूल चुकी होगी। तो इस तरह देखिए हमने आटा रेडी कर दिया है। अब थोड़ी देर हम इसे भी रेस्ट पे रख देंगे, उतने देर इसे भी रखेंगे, हमारा एक घंटा ये भी रहेगा। और रखने के बाद अब तैयारी करते हैं हम जो हमें पूरी में मिलाना रहेगा उस चीज़ की। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे बेलने वाली प्रक्रिया करेंगे। थोड़ा सा जीरा ले लिया है और ऑयल कढ़ाई में डाल के, और ये आलू और छोला हमने उबाल के रखा है। तो जीरा हमने डाल दिया है और थोड़ा सा उसमें हमने अदरक और लहसुन पेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा मिर्चा डाल दिया है और प्याज कतरा हुआ डालेंगे और इसे मस्त फ्राई करेंगे और इस तरह से भून लेंगे बढ़िया तरीके से। और जब ये हमारा हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, तो इसमें हम अपना छोला ओला डालेंगे। तब चल रहे हैं पानी बनाने की रेसिपी बताएंगे आपको। तब तक ये हो, हमने धनिया ऐड कर लिया, इसमें लहसुन डाल लिया, अदरक डाल दिया और थोड़ा सा हमने जीरा भुना हुआ डाल दिया है और ये मिर्ची डाल के हमने पेस्ट कर लिया। और तब तक ये हमारा भुन गया, तो इसमें हल्दी और गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, टमाटर सब हमने ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और हल्का सा हमने इसमें विनेगर डाला है टेस्ट के लिए। अब छोला हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो आलू और मटर दोनों साथ में ऐड करेंगे। और ये जो आलू है, चाहे तो आप पहले से क्रश कर सकते हैं, पर हम इसी जो चलाने वाला है इसी से क्रश करेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मस्त उबाल लेंगे और ये हमारा चाट रेडी हो चुका है पानी वाला। तो इसमें हल्का सा नमक स्वाद अनुसार डालते हैं और ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और ये कंप्लीट। और पानी हमारा इधर जो हमने पेस्ट बनाया है पानी का, तो इसमें हम काला नमक, सादा नमक और जल जीरा सब मिलाएंगे। तो पहले इसको हम छान लेते हैं छन्नी से और बढ़िया से छान लेंगे ताकि उसका फ्लेवर जो है हमारे पानी में ऐड हो जाए। थोड़ा सा नींबू हमने ले लिया है, तो नींबू हमने आधा ले लिया है, बड़ा वाला नींबू था। तो इसको बढ़िया से हम छान लेंगे और देखिए इस तरह से निचोड़ने से क्या है कि बीज छन्नी में आ जाता है। और ये जलजीरा पाउडर हमने इसमें डाल दिया है, तो हमने 5 जलजीरा पाउडर डाला है। कम से कम हमारा 1 लीटर पानी बनेगा। और ये देखिए हम पूरी बना रहे हैं। तो पहले तो हम उस सूजी का पूरी बनाएंगे और ये देखिए इस तरह, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और ये सूजी का पूरी है, बहुत मस्त बन रहा है। तो धीरे धीरे ही ये अपने लाइन पे आता है। तो देखिए पहले थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हुआ है, लेकिन देखिए थोड़ा सा नरम हुआ है। लेकिन अब इसके बाद हमें पता चल गया है कि हमें किस तरह इसे बनाना है। तो हम इसे बहुत स्लो आंच में और बहुत धीरे धीरे पकाएंगे ताकि ये क्रिस्पी हो। तो हमने बहुत स्लो आंच में बहुत धीरे धीरे इसको पकाया है। तो देखिए ये हमारी पूरियाँ बहुत बढ़िया रेडी हो चुकी हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन गई हैं। तो इसी तरह हमने सारा अपना
पूरी बना लिया है। आटे का भी हमने मिक्स किया है इसी में, तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि सब हमने मिक्स कर दिया है, तो आप देख के ही पता पा सकते हैं कि हमने ये बहुत ही क्रिस्पी पूरी बनाई है। तो हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा बना है और हमारा पानी पूरी भी बहुत ही टेस्टी बना है। तो गाइज इसे ज़रूर बनाइएगा, और बहुत सिंपल तरीके से हमने बना लिया है, कुछ ज़्यादा डेंग डांग नहीं किया है। तो पानी हमारा यहाँ रेडी है, पानी में डुबो को खाएंगे और मस्त लगेगा। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।